कोरोना वायरस हमारे देश में भी लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग इतने भयभीत हैं कि अब सड़क पर उन्हें 2-2 हजार के नोट भी पड़े मिल जाएं तो उसे उठाने से पहले लोगों को कई बार सोचना पड़ रहा है। ताजा मामला दिल्ली के रोहिणी स्थित बुद्ध विहार थाना इलाके में देखने को मिला, जहां बीते दिन स्थानीय लोगों ने सड़क पर 2000 के कई नोट पड़े देखे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखने वालों का तांता लग गया, लेकिन कोरोना के संक्रमण के डर से किसी ने भी नोट उठाने की हिम्मत नहीं की। वहीं इसी बीच किसी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। इतने में वहां एक व्यक्ति आया जिसने दावा किया कि ये पैसे उसके हैं। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही एटीएम से निकाले थे और कार में बैठते समय उसके पैसे गिर गए। घर जाकर जब उसने देखा तो पता चला कि निकाले हुए पैसों में से कुछ नोट कहीं गिर गए हैं और वो दोबारा उन्हें ढूंढने के लिए वापस आया, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर उसे पैसे दे दिए। सर, यहाँ पे कल पता चला है कि 2000 के नोट पड़े थे और किसी ने डर के मारे उठाया नहीं कि कोरोना ये वायरस बहुत फैल रहा ना, इसी वजह से किसी ने उठाया नहीं, तो पुलिस को किसी ने कंफर्म कर दिया तो वो आई थी, वो लेके चलेगी। तो ये क्या पता लग पाया कि किसी के क्या वो नोट गिरे हुए हैं? जी, किसी के गिरे थे पर पता नहीं चला किसके थे वो।